मैं सबसे पहले तो बाबा भोकनाथ जी को नमन करता हूँ, कि उनकी कृपा से ये आज एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम जिसमें हमारे श्रमिक भाई 16 दिनों से भी लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया। और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से, उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबको, सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने, जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे और विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का भी, मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया। हमारे राष्ट्रीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है, उसमें आदरणीय गडकरी जी भी बीच में आए, उन्होंने भी यहां पर हर तरीके से इसको देखा। और हमारे जनरल बीके सिंह जी, इनका मैं विशेष रूप से सबकी तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से इनका मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं कि एक कैंप बनाकर लगातार यहां पर रहे और एक दिन भी इन्होंने यहां से कभी ये नहीं सोचा कि मैं यहां से कहीं बाहर जाऊं। और इस कठिन काम को, लोगों को लगातार संबल प्रदान करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम, और पूरा हमारा जहां सभी एजेंसियां लगी हुई थी, वहीं पीएमओ के भी सभी अधिकारी अपने अपने तरीके से इस पूरे अभियान को अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे, योगदान प्रदान कर रहे थे। आगे आने वाले समय में हम ये जो जितने भी हमारे इस प्रकार के टनल उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं, उन सभी की समीक्षा भी करेंगे। और वैसे तो भारत सरकार ने इसमें सेफ्टी ऑडिट कर दिया है, जिससे आगे निकट भविष्य में हमको इस प्रकार की किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं सभी श्रमिक भाइयों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जीवन के लिए, मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिजनों को भी, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और लगातार इतना कठिन चुनौतीपूर्ण काम, जिसमें आपने देखा कि ऑगर मशीन मंगाई गई और पहले इंदौर से मंगाई गई, हैदराबाद से मंगाई गई, और जिस प्रकार से मशीन बार बार अंदर टूट जा रही थी, जिस प्रकार से फंस जा रही थी, वहां पर गडर आ जा रहे थे, तमाम